अब अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं पर डे टैक्स, इसलिए आप इक्वल लाते हैं पर ईयर टैक्स का सैलरी टैक्स, और इसमें आप डिवाइड कर देंगे 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो आप इससे डिवाइड कर देना 365 से। एंटर करेंगे तो पर डे का डेप निकल के आ जाएगा। एक दिन में इसमें कितना डेप आएगा? 27 रुपये। डेसिमल के बाद की वैल्यू आप यहाँ से इसमें हटा देंगे, आ जाएगा इतना। अब अपन ने इतना तो निकाल लिया, इतना निकालने के बाद अब अगर अभी हम आपसे पूछें इसमें कितने परसेंट डेप लग रहा है, अपन को अभी ये नहीं पता इस पे कितने परसेंट डेप लग रहा है, तो आप इस पे क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे परसेंट, परसेंट निकालने के लिए आप यहाँ पे परसेंट का साइन ले लेंगे, फिर आप इक्वल लगाते हैं, वन से डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी से, एंटर करेंगे तो यहाँ परसेंट निकल के आ जाएगा। अब इस पे कितने परसेंट डेप लग रहा है इस साल में? 33%। आपको चेक करना है तब आप क्या करेंगे, इक्वल लगाना जो आपका डेप का सेल एड्रेस है इसको ले लेंगे आप। अभी तक अपन जैसे निकाल रहे थे गारंटी वारंटी की हेल्प से, अब अगर आप ऐसे परसेंट की हेल्प से निकालना चाहते हैं तब आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देना परसेंट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। और अगर आप ऐसे गारंटी वारंटी की हेल्प से निकालते हैं तब आप इसका सेल एड्रेस लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं गारंटी वारंटी से। अगर परसेंट की हेल्प से निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई, गारंटी वारंटी की हेल्प से निकाल रहे हैं तो डिवाइड, अमाउंट आपका सेम आएगा। अब अपन इस पर कितना डेप लाएंगे? आपने एक साल का भी निकाल लिया, एक महीने का भी और एक दिन का भी, सॉरी। अब आप इसमें डेप लाएंगे जब तक आप इसका यूज कर रहे हैं, जितने महीने जितने दिन आपने इसका यूज किया है उतने आप इस पर डेप ला देंगे। अब अपन यहाँ निकालना चाहते हैं यूज डेट, अपन ने इसका कितने दिन यूज किया है आपको निकालना है, यूज डेट कितने दिन अपन ने इसका यूज किया है, अपन यहाँ डाल देते हैं। अपन ने इसको 1 जनवरी 2023 को खरीद लिया और 8 अक्टूबर 2023 को बेच दिया। अब अपन ने इनके बीच में कितने दिन इसका यूज किया है? 1 जनवरी खरीदा, 8 अक्टूबर को बेच दिया, आपको दिन पता था ना? तब आप यहाँ पे इक्वल ना, जब आप इसको सेल कर रहे हैं उसका सेल एड्रेस लेके आप मल्टीप्लाई कर देना, जब आपने इसको सॉरी आप माइनस कर देना जब आपने इसको परचेज किया, आप उसका सेल एड्रेस लेना जब आप इसको सेल कर रहे हैं और माइनस कर देना जब आपने इसको परचेज किया था, देखिए अमाउंट निकल के आ जाए। अगर आप इसको उल्टा निकालते हैं, आपने जब खरीदा था उसमें से माइनस कर रहे हैं जब सेल किया था, अमाउंट आपका माइनस में है आ रहा, जबकि अमाउंट अपन को माइनस में नहीं चाहिए, तो आप यहाँ इक्वल लाना, जब आप इसको सेल कर रहे हैं उसका सेल एड्रेस माइनस जब आपने इसको परचेज किया, तो कितने दिन यूज किया है? 273। अब आपको बताएं एक दिन में इतना टैप लग रहा है, 273 दिन में कितना टैप लगेगा? अपन यहाँ निकाल लेते हैं यूज डे डेट, इतने दिन का डेप का अमाउंट क्या हो जाएगा? तो आप इसमें इक्वल लाना पर डे टैप का सेल एड्रेस, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना यूज डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे का डेप निकल के आ जाएगा। अब इस पर डेप कितना लगेगा? इतना आ जाएगा आप लोग। अब आपको पता ना आना इसकी सेलिंग प्राइस, क्योंकि अपन इसको सेल कर रहे थे, सेल करने के लिए आप इस पर डेप ला रहे थे, क्योंकि सेल करने से पहले आप इस पर डेप लाएंगे। अब डेप का अमाउंट तो आपको पता चल गया, अब आपको पता करना है सेलिंग प्राइस, ये अपना सेल कितने में हो सकता है। तब आपको क्या करना है? आपको इक्वल लगाना है कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देना है यूज डेट डेट और एंटर कर देना, तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। क्योंकि अपन ने इसको खरीदा कितने में था? 40,000 में। 273 दिन यूज करने के बाद इस पर डेप कितना लग रहा है? 7,469। अब आप इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। अब सेल कितने में होना चाहिए? 32,521 में आ जाएगा इतना। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ चल नहीं आप लोग, किसी फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, हम फिर से बता देंगे। अभी आप लोग इतना ही चल लेना, इसके आगे और है हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। इतना आ जाएगा ठीक है।